हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। टुडे वी विल लर्न मैथ स्टैंडर्ड 6 चैप्टर नंबर 1 नोविंग अवर नंबर्स। उसमें हमने लास्ट टाइम एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तक कंप्लीट किया था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। बट कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है, नियरेस्ट वैल्यू निकालने के बाद हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे उसमें से तो कि 578 है, उसका हम नियरेस्ट निकालना है, यानी कि इसका नियरेस्ट निकालना होगा। तो हमारा जो ये नियरेस्ट वैल्यू है 78 है, वो 50 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे 500 का क्या हो जाएगा, 600, एंड 161 है उसका नियरेस्ट, यानी कि 61 है, वो भी क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो उसके लिए भी नियरेस्ट क्या होगा, 200। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 600 मल्टीप्लाई 200, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो इजीली हो जाएगा, क्योंकि 1, 2, 3, 4, पहले तो हम 40 रखेंगे, उसके बाद 6, 2 12, तो ये हमारा आंसर है। उसके बाद है 5281 मल्टीप्लाई 3491। तो हम इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, उसका नियरेस्ट वैल्यू। तो 5281 के नियरेस्ट वैल्यू क्या होगी, तो कि 281 है, वो 500 से कम है। तो हम इसका 5000 का 5000 ही लिखेंगे। यहाँ पे 3491 है, उसमें हम 4991 है, वो 500 से कम है। तो 3000 का 3000 एज इट इज लिखेंगे। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 5000 मल्टीप्लाई 3000, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम 60 रखेंगे, उसके बाद 5 3 15, तो हमारा ये आंसर है। उसके बाद यहाँ पे 1291 मल्टीप्लाई 592, तो यहाँ पे 100 वाली वैल्यू, यहाँ पे 1000 वाली वैल्यू, तो हम 100 की प्लेस वैल्यू, नियरेस्ट वैल्यू निकालेंगे। यानी कि 1291 है, तो 91 की प्लेस वैल्यू हम निकालेंगे, यानी कि 200 का ही हम प्लस वैल्यू लिखेंगे। तो 91 है, वो 50 से ज़्यादा है, तो हम लिखेंगे 1200 है, तो 1300 लिखेंगे। उसके बाद है 592, तो 92 है, वो भी 50 से ज़्यादा है, तो 5 का 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 600। उसके बाद 1300 मल्टीप्लाई 600 मल्टीप्लाई करेंगे, तो चले हम फर्स्ट ऑफ ऑल 40 तो रख ही देंगे, उसके बाद 6 3 18 का 8 1 कैरी, 6 1 6 1 7 78। उसके बाद ये हमारा 9250 मल्टीप्लाई 29, यहाँ पे हम कौन सा निकालेंगे नियरेस्ट, तो यहाँ पे तो 2 डिजिट में है, यहाँ पे 4 डिजिट में है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 2 डिजिट में नियरेस्ट निकालेंगे, क्योंकि दोनों में सेम ही नियरेस्ट निकालने के बाद ही हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 9250 है, उसका हम नियरेस्ट निकालेंगे 1 डिजिट का, तो 0 ही है, तो यहाँ पे हम 9250 मल्टीप्लाई 29 है, उसका नियरेस्ट कैसे निकालेंगे हम, तो कि 29 9 है, वो क्या है, 5 से ज़्यादा है, तो 30 हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन 9250 मल्टीप्लाई 30 30, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल 20 तो रख ही देंगे, उसके बाद 5 3 15 का 5 1 कैरी, 3 2 6 1 7 एंड 3 9 27, ये हमारा आंसर है। फर्स्ट ऑफ ऑल ए भी आंसर हो सकता है, आपका दूसरा भी आंसर हो सकता है, वो कैसा होगा, तो कि यहाँ पे नियरेस्ट हम 250 का निकालेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि 9000 मल्टीप्लाई 30, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी क्या हो सकता है, 9 3 27 एंड 1 2 3 4 0, ये भी आपका आंसर हो सकता है नियरेस्ट। उसके बाद है यूजिंग ब्रैकेट, कि हमें क्या करना है, ब्रैकेट यूज़ करके कैलकुलेट करना है। तो ब्रैकेट है, यहाँ पे ब्रैकेट दिया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब कैलकुलेट करेंगे, जब
किसी भी डिजिट का हम एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्रैकेट यूज करके ही करेंगे, यानी कि ब्रैकेट वाला जो पोर्शन है उसको पहले हम निकालेंगे, उसके बाद जो दूसरी प्रोसेस आती है वही करेंगे। तो आपको पता ही है फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ये सब दिया होगा तब आप क्या करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन। यानी कि हम पहले क्या करते हैं, जब हमारा डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन इन फोर पैटर्न हम साथ में दी गई होती है तब हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करते, जो डिवीजन वाली साइन होती है तो डिवीजन करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड हमारा क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन करना होता है, तो मल्टीप्लिकेशन होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद एडिशन करेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे। यहाँ पे हमें दिया है ब्रैकेट में 5 + 8 × 6, तो ब्रैकेट ओवर करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों का एडिशन क्या होता है 13, उसके बाद 6 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 × 3 = 18, 1 carry 6 × 6 = 17, तो ये आपका आंसर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओवर करेंगे, उसके बाद ही ब्रैकेट के बाहर जो भी है वो उसकी साइन यूज़ करके मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन जो भी हो सकता है वो कर सकते हैं। यहाँ पे 7 + 2 क्या होता है, इन दोनों का और इन दोनों का ब्रैकेट ओवर करेंगे, 7 + 2 = 9 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 10 में से 9 3 कट होगा तब 7, तो 9 × 7 = 63, तो ये आपका आंसर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारा क्या होता है, बोर्ड मास का होता है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, क्या होता है बोर्ड मास लिखने में, बोर्ड मास का मीनिंग होता है बोर्ड मास, यानी कि ब्रैकेट ऑफ क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन बोर्ड मास, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। बोर्ड मास का मीनिंग क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। उसके बाद एक्सपांडिंग ब्रैकेट में हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें दिया है 2 digit, तो 2 digit को मल्टीप्लिकेशन करना है तो ब्रैकेट में एक्सपांड करना है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 100 + 2 ऐसा लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई यहाँ पे भी लिखेंगे 100 + 3, उसके बाद 100 का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 100 का मल्टीप्लिकेशन 100 × 100 प्लस 100 का मल्टीप्लिकेशन 100 के साथ, 100 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ, तो 300 × 300 प्लस 2 × 100 प्लस 2 × 3 = 6। क्या किया हमने, ब्रैकेट दिया है दोनों को 100 + 2 and 100 + 3। अब हम क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लिकेशन 100 के साथ और 100 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ, ये 100 वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया, उसके बाद ये 2, तो 2 का मल्टीप्लिकेशन 100 के साथ और 2 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ, वो हमने 4 पैटर्न कंप्लीट कर दिए। 100 × 100 10,000 प्लस 300 + 200, तो क्या हो गया 500 + 6, तो आपका आंसर होगा 60501, यानी कि 10,506, ये आपका आंसर है। उसके बाद यहाँ पे भी दिया है सब ब्रैकेट वाला, तो यहाँ पे भी हम कर सकते हैं 20 - 3, यहाँ पे 20 में से 3 निकालेंगे तो 17 हो जाता है, यस, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे हम लिखेंगे 100 + 9 हो गया। अब 20 का मल्टीप्लिकेशन 100 के साथ, तो 20 × 2 = 2 and 1 × 2 = 30 मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद एडिशन 29 × 9 = 18 180 एंड माइनस 3 × 100 = 300 एंड 3 का मल्टीप्लिकेशन 9 के साथ, प्लस माइनस 3 × 9 = 27। अब क्या करेंगे हम, एडिशन का एडिशन सब्ट्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं 2180 - 327, उन में से हम सब्ट्रैक्शन करेंगे,
यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऐसा कर सकते हैं हम, 2180 माइनस 327, यहाँ पे 10, यहाँ पे 7, तो 10 में से 7 कट, फिर 3 एंड 7 में से 2 कट 5, यहाँ पे 1 में से 3 कट नहीं होता तो 11, 11 में से 3 कट 8 एंड यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, तो 1853 वो हमारा आंसर है। उसके बाद ये रोमन नंबर्स क्या है, रोमन नंबर्स, तो रोमन नंबर में क्या है, तो किसको हम किसके सिंबल देते हैं वो हमें लिखना है। रोमन नंबर तो आगे लास्ट टाइम भी आपने सीखा ही होगा, तो यहाँ पे भी हम सीखेंगे कि रोमन नंबर 1 के लिए हम किसका सिंबल यूज़ करेंगे, वी आई, क्या है आई, 1 के लिए हम आई यूज़ करेंगे, 5 के लिए वी यूज़ करेंगे, 10 के लिए एक्स यूज़ करेंगे, 50 के लिए एल यूज़ करेंगे एंड 100 के लिए सी यूज़ करेंगे, 500 के लिए हम डी यूज़ करेंगे, 1000 के लिए हम एम यूज़ करेंगे, यानी कि जो अल्फ़ाबेट है वो हम यूज़ करनी है जिस सिंबल के साथ रोमन नंबर में। अब हम क्या करेंगे, तो उसका रूल्स है कैसे यूज़ करना होता है सिंबल्स, तो कि रूल्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल रूल क्या है, सिंबल आई एक्स सी एंड एम रिपीटेड 3 times, के जो आई है एक्स है सी है और एम है वो रिपीट होता है 3 times, कितनी टाइम रिपीट होता है 3 times, मैक्सिमम 3 times रिपीट हो सकता है, उसके आगे 4 times रिपीट नहीं हो सकता। और उसके बाद जो ये वी है और ए जो 50 एल है और 500 डी है, तो वो सिंबल रिपीटेड नहीं होता, यानी कि वो जो डी वी एंड एल है वो रिपीटेड नहीं हो सकता। उसके बाद बी नंबर में क्या बोला है कि स्मॉलर वैल्यू इज राइट टू राइट ऑफ द सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, ग्रेटर वैल्यू के राइट साइड हम जब कोई भी वैल्यू सिंबल लिखेंगे तो वो क्या बोलते हैं एडिशन, क्या बोलते हैं एडिशन, एंड जब स्मॉलर वैल्यू इज राइट टू द लेफ्ट ऑफ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, के ग्रेटर वैल्यू के लेफ्ट साइड जब हम लिखते हैं तो उसकी वैल्यू सब्ट्रैक्शन, यानी कि हम उसका सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसा हम बोला जा सकता है। एंड वी एल एंड डी आर नेवर राइट टू द लेफ्ट ऑफ सिंबल, यानी कि ये जो सिंबल है वी एल एंड डी वो हम लेफ्ट साइड कभी नहीं लिख सकते, वो रिपीटिंग भी नहीं होता एंड लेफ्ट साइड भी नहीं लिख सकते। और यहाँ पे क्या दिया है 65 इज इक्वल टू, यानी कि हमें सिंबल बनाने हैं तो कैसे बनाएंगे, तो 50 के लिए कौन सा यूज़ कर सकते हैं एल, एंड हम 10 के लिए क्योंकि 65 है तो 50 + 10 + 1 तो हमारा क्या हुआ 65, तो 50 के लिए L यूज़ किया, 10 के लिए हम X यूज़ करेंगे एंड 1 के लिए I, तो यानी कि हम क्या कहाँ पे लिखेंगे ऐड करने के लिए राइट साइड लिखेंगे, कहाँ पे लिखेंगे राइट साइड। एंड जब हमें क्या करना होता है सब्ट्रैक्ट करना होता है तब हम कहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट साइड लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे 90 दिया है तो 90 के लिए तो आपको पता है कि 50 के बाद 60 70 80 90, तो 4 times रिपीट तो कोई भी सिंबल नहीं होता, वो तो हमें पता ही है कि पहले ही बोला है कि रिपीटिंग 3 times ही होता है, 4 times रिपीटिंग नहीं होता। तो यहाँ पे 100 - 10 यानी कि 90 है तो उसमें से हम क्या करेंगे 100 - 10, तो 100 कहाँ पे है, 100 के लिए हमारा सी है और 10 के लिए हमारा X है, तो X कहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट साइड लिखेंगे, सब्ट्रैक्शन करने के लिए वो सिंबल है वो कहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट साइड लिखेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा XC वो हो जाएगा 90। यहाँ पे हमने रोमन नंबर्स देख लिया है, यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हुआ है एंड वर्कबुक आपको कंप्लीट करनी है।